हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो या वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, हर जगह आर्किटेक्ट्स की ज़रूरत होती है और उनका जिक्र भी होता है। इसी फील्ड के बारे में और जानेंगे हम हमारे आर्किटेक्ट जैनुल रजा से। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है इस क्रिएटिव फील्ड के बारे में। सबसे पहले उनका इस्तकबाल करते हैं। सर सलामुअलैकुम, आपका इस्तकबाल है हमारे शो में। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले सर हम चाहते हैं कि आप हमारे नाज़रीन को अपने बारे में बताइए। मेरा नाम है जैनुल रजा, मैं आर्किटेक्ट हूँ। मैंने BArch MMCA पुणे से किया, उसके बाद मैंने अपनी पर्सनल प्रैक्टिस शुरू की। मेरी फर्नीचर डिज़ाइनिंग एंड इंटीरियर की शोरूम है फर्स्ट चॉइस, और दूसरा जो फर्स्ट चॉइस एक्सप्रेस फॉर्टनाइटली पेपर है उसका मैं एडिटर हूँ, और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब्स, कंप्लायंसेस, लाइजनिंग, इस तमाम तरह के काम मिले जुले आर्किटेक्चरल फर्म में जो सारे काम होते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहते हैं कि आपने इस फील्ड में अपना करियर क्यों बनाया। वेल टू बिगिन विथ, कोई भी प्रोफेशन जब आदमी चुनता है तो वो मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए करता है, या दूसरी वजह होती है सोशल स्टेटस की। क्योंकि मेरी फैमिली हमेशा से फर्नीचर बिजनेस से जुड़ी रही, इंटीरियर डिज़ाइनिंग से जुड़ी रही, तो मुझे हमेशा से आर्किटेक्चर का और आर्किटेक्चरल वैल्यूज़ का एक ज्ञान था, मुझे पता था कि वो किस तरह का काम है, और उसी सोशल स्टैंडिंग की वजह से मैं उसकी तरफ अट्रैक्टेड था, और अल्टीमेटली मैंने उस डायरेक्शन में काम किया कि मुझे आर्किटेक्ट ही बनना है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस फील्ड में करियर बनाने के लिए? देखिए, फील्ड में जो क्वालिफिकेशन होती है वो दो तरह की होती है। एक जो लॉ अबाइडिंग, यानी कि जो हमारी गवर्निंग बॉडी है उसको कहते हैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, वो जो कानून बनाता है वो पेपर वैल्यू पे कानून होते हैं। वो कानून ऐसे हैं, वो मैं बता ही दूँ ताकि आने वाले बच्चों को भी काम लगेगा। वो तो वो होता है कि उसके पास 10+2 की स्टडी होनी चाहिए। मैथ्स और इंग्लिश ये कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का और इंग्लिश का बहुत ज़्यादा रोल है। फिर वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में वेरिएशन होता था, इसलिए आजकल एक फॉर्मेट निकाला गया है। हमारे टाइम पे तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता था, लेकिन इस वक्त एक फॉर्मेट है जिसको कहते हैं नाटा, वो होता है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर। इसके द्वारा सारे हिंदुस्तान के कॉलेजेस को एक उसमें ले लिया गया है स्लैब में, और जहाँ बच्चा जाना चाहता है अपने प्रेफरेंसेस, जहाँ उसकी अवेलेबिलिटी होती है, और मार्किंग के बेसिस पे उसको वहाँ अट्रैक्ट किया जाता है। लाइक ये फील्ड को हम 12th के बाद चूज़ कर सकते हैं, तो अब आपसे जानना चाहते हैं कि 12th स्टैंडर्ड हमें कौन से फैकल्टी से पास करना है? हाँ देखिए, क्योंकि एक जर्नल थिंकिंग बनी हुई है, क्योंकि पहले जब हम पढ़ते थे तो साइंस स्ट्रीम से ही बच्चे सेलेक्ट किए जाते थे। इवन सर्टन टाइप ऑफ कॉलेजेस में जहाँ IAE लगता है वहाँ पर साइंस को ही प्रेफरेंस दिया जाता है, और क्योंकि साइंस के अंदर जो बच्चे चूज़ होते हैं वो ज़्यादा परसेंटेज लाते हैं, इस वजह से बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम साइंस के स्टूडेंट्स का मैथ्स स्ट्रांग होता है। मगर ऐसा नहीं है कि कॉमर्स वाले या आर्ट्स वाले इसको नहीं कर सकते। कॉमर्स और आर्ट्स वाले भी अगर मैथ्स एंड साइंस करते हैं तो फॉर्मेट ऐसा होता है कि 50% जो वेटेज होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसके अंदर आपके ड्राइंग, आर्किटेक्चरल नो हाउ और आर्किटेक्चरल मॉडल्स, एलिवेशन प्लान्स को समझने की, यानी बेसिक समझने की सलाहियत होती है। उस सलाहियत के बाद बच्चे हैं वो चूज़ किए जाते हैं। 50% वेटेज, 60% वेटेज उस नाटक का होता है, और बाकी के जो हैं वो आपके मैथ्स एंड साइंस और 12th के मार्क्स का होता है। यानी कि इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है और एंट्रेंस एग्जाम होती है इसका? जी बिल्कुल, एंट्रेंस एग्जाम होती है। इनफैक्ट बच्चे 11th के जो पीरियड है, 10th के बाद का जो पीरियड है उसमें प्रिपेयर कर लेते हैं। इसी वजह से जो बच्चे 12th के बाद सोचते हैं हमें करना है, उन्हें पता नहीं होता कि 10th की जो वैकेशन है उसमें बहुत सारे बच्चे पूरी की पूरी प्रिपरेशन है, ड्राइंग की पूरी ट्रेनिंग ले चुके होते हैं। लाइक बच्चे खुद से भी इस फील्ड के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए बच्चों को, लेकिन इसके अलावा कोर्स के दौरान बच्चों को क्या सिखाया जाता है? देखिए, जैसे कोर्स से पहले जो प्रिपेयर करते हैं वो सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम है, वो एक 60 मार्क का 50 क्वेश्चन का पेपर है। जी हाँ, वो 2 आवर्स का हो गया, वो नहीं है। कोर्स बहुत बड़ा है कोर्स, एक्चुअली आर्किटेक्चर जो है वो 5 ईयर्स का कोर्स है। 5 ईयर्स का कोर्स दो हिस्सों में बटा हुआ है। अब फर्स्ट टू थर्ड ईयर जो होता है वो बच्चे को सिखाया जा रहा होता है। आर्किटेक्चर इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर आज आप देखेंगे कि सबसे पहले आदमी ने पराची बांधी या एक छोटा सा हट बांधा, तो वो आज भी बांध रहा है और 1000 साल पहले भी बांधता था। वहाँ से लेके मॉडर्न हाईटेक बिल्डिंग्स तक का जो सफ़र है वो उस 3 साल में उसको परस्यू किया जाता है, ताकि वो जल्द अज जल्द सारे के सारे जो ज़माने का आर्किटेक्चर गुजरा है उसमें जो भी बेस्ट है वो पढ़ सके। हिस्ट्रीज़ है, ह्यूमैनिटी है, फिज़िक्स और ज्योग्राफी का
जो प्रैक्टिकल वो है, कभी कभी आप जैसे कॉमर्स के बच्चे हैं वो सोचते होंगे कि हमें हिस्ट्री क्यों सिखाई, लेकिन जब हम मॉन्यूमेंट डिज़ाइनिंग के लिए जाते हैं, जब हम आर्किटेक्चरल वंडर्स के लिए जाते हैं, तो हमें पता चलता है, जो स्पेशलाइजेशन इन आर्कियोलॉजी करते हैं आर्किटेक्चर करने के बाद, उन्हें पता चलता है कि इसका क्या महत्व था, आगे इसका क्या यूज़ था। उसके बाद जो फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर है उसमें बच्चा अपनी सलाहियत काम करने वालों के साथ, यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है जब वो जॉब करता है फाइनली किसी आर्किटेक्ट के यहाँ जाकर, और उसके पहले एक डिसर्टेशन थीसिस होता है जब वो किसी एक सब्जेक्ट को लेकर अपनी पूरी मालूमात, जो कुछ उसने सीखा है, वो पेश करता है। तो इस तरह से 3+2 कहा जा सकता है, बट इट्स अ 5-year कोर्स डिवाइडेड इनटू 10 सेमेस्टर्स ऑफ 6 मंथ्स ईच। ओके, ये जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ट्रेनिंग लेनी पड़ती है या फिर डायरेक्टली आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, देखिए इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड। तो होता ये है कि किस लेवल पे आप काम कर रहे हैं। पहला, लास्ट ईयर तो ऑलरेडी आपको ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन कहीं भी इतनी ट्रेनिंग इनफ नहीं रहती। उन्हें बाद में बड़े आर्किटेक्ट्स के साथ, दूसरे आर्किटेक्ट्स के साथ, ज़माने में जिस डायरेक्शन में उन्हें जाना है उस डायरेक्शन का पूरा ज्ञान लेना होता है। कुछ लोग हैं जो स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आर्किटेक्चर करके किसी एक स्पेसिफिक फील्ड यानी इंटीरियर्स को चुनेंगे, कोई जर्नलिज्म को चुनेगा, कोई आर्कियोलॉजी के लिए एडवांस ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डोर्स खोल देता है। वैरायटी बहुत ज़्यादा है, ग्लैमर भी है। अब देखिए, कोई लोग फिल्म में जाना चाहते हैं तो उनको सेट डिज़ाइनिंग है, अभी हम लोगों के टाइम पे फोर्थ ईयर में होता था, अब थर्ड ईयर में है, तो वो सीख तो सारा जाते हैं लेकिन फिर उसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं। साथ ही साथ अभी जो हम लोग प्लान्स वगैरह देते हैं वो पूरे कंप्यूटर एडिट होते हैं, तो आईटी फर्म्स में कंप्यूटर के द्वारा वो ड्राइंग्स की प्रेजेंटेशन, जो सिटीज़ आप गेम्स में देखते हैं, इसमें बहुत सारे पैनल्स पर आर्किटेक्ट्स होते हैं जो उसका बेसिक लेआउट बनाते हैं। अल्टीमेटली गेम तो आप डिज़ाइन करेंगे लेकिन उसका पैटर्न कैसा रहेगा, वो सिटी कैसी दिखनी चाहिए, उसका ब्यूटिफिकेशन कैसा होना चाहिए, इट इज़ नॉट अ रियल सिटी, बट साइबर सिटी के अंदर भी वो प्लानिंग किया जाता है। इतनी क्रिएटिव फील्ड के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसकी सैलरी पैकेजेस कैसे हैं? हाँ, ये तो यहाँ बताना नहीं चाहिए प्रोग्रामों पर, लेकिन ऐसा होता है कि देखो आर्किटेक्चर की सैलरी थी जिससे जल्दी। हाँ डेफिनेटली, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, देखो आर्किटेक्चर एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें आपको हर लेवल पर लोग मिलेंगे। आर्किटेक्चर एक फिक्स्ड स्लैब वाला, यानी इट किसी जॉब को ऐसा कहना अच्छा नहीं होगा, लेकिन एक 9-to-5 वाला जॉब नहीं है। व्हेन यू बिकम एन आर्किटेक्ट, आप जितने उसमें इन्वॉल्व होंगे, जितना आपका कंट्रीब्यूशन होगा, जितना आपका माइंड चलेगा, और एक हमारे यहाँ कहावत है, बिहाइंड एवरी ग्रेट आर्किटेक्ट देर इज़ अ वेरी रिच क्लाइंट। तो जो भी बड़ा आर्किटेक्ट होता है उसके पीछे एक बहुत हाई पेइंग क्लाइंट होता है जो कितना भी पैसा लगाने को, विश्वास करने को कि अच्छी बिल्डिंग बनाएगा, मेरे लिए ये आदमी डिज़ाइन कर सकता है, ये आदमी मेरे लिए एक बेहतरीन मॉन्यूमेंट बना के दे सकता है, और वो अपना बहुत बड़ा पैसा आपके ट्रस्ट में डालते हैं। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि हम मीडियम वेजेस बताएं। एक मीडियम वेज यानी एक सिंपल जॉब करने से लेके, बहुत सारे लोग हैं जो आर्किटेक्चर करके और किसी आर्किटेक्ट के यहाँ जॉब करना पसंद करते हैं, उनको वही पसंद है। कोई लोग हैं जो ख़ुद की डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, कोई रिसर्च वर्क में जाना चाहते हैं। तो ये इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड, इट इज़ नॉट समथिंग वेयर यू कैन लिमिट योरसेल्फ टू। यानी कि आपकी अर्निंग्स इसमें अच्छी हो सकती है? बेशुमार, एक्चुअली इट्स वन ऑफ द टॉप पेइंग प्रोफेशंस ऑफ दिस कंट्री और इन द वर्ल्ड इनफैक्ट। आखिर में हम आपसे चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि और अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, अपने पैराडिग्म्स को बदलें। आर्किटेक्चर एक ऐसा फील्ड है जो आपकी दुनिया को बदल देगा, आपको पूरा का पूरा, यानी आपका नज़रिया जो है आपको एक अलग ही प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा कर देगा, आपका पूरा दुनिया को देखने का नज़रिया बदल देगा। जब आप एक आर्किटेक्चर के मॉन्यूमेंट को देखते हैं तो जो फीलिंग आता है, आप ये सोचिए कि आपकी बनाई हुई बिल्डिंग को देख के दुनिया के बारे, दिल में आपके बारे में वो ख्याल आएगा। ये सबसे ज़्यादा क्लोज चीज़ है। पैसे वगैरह तो खैर बहुत सारी प्रोफेशंस में आ जाते हैं, मगर एक चीज़ मैं इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा, कोई दुनिया की फील्ड, कोई दुनिया का जॉब, कोई दुनिया का कंपनी ऐसी नहीं है जहाँ पे आर्किटेक्ट्स की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ही सही कहा। आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त दिया और हमारे नाज़रीन और हमारे स्टूडेंट्स तक अपनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुँचाई, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पर बुलाने के लिए और बच्चों से अपने ख्याल शेयर करने के लिए। साथ ही साथ अगर बच्चों को कभी भी कोई गाइडेंस चाहिए हो तो आप लोग उन्हें बुला सकते हैं, एंड आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल टू गिव देम व्हाटएवर गाइडेंस दे नीड।
एंड खुदा हाफिज। तो नाज़रीन ये थे आर्किटेक्ट ज़ैनुल रज़ा, जिन्होंने हमें आर्किटेक्चर फील्ड के बारे में बताया। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं। आई एम श्योर इस एपिसोड के बाद उनके आर्किटेक्चर फील्ड के बारे में डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ आपसे चाहते हैं इजाज़त। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।